ओम शांति ग्यारह मार्च दो हजार चौबीस के ईश्वरीय महावाक्य पहले सुनते हैं आज की मुरली से होमवर्क बाबा ने कहा बाप और बच्चों के एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता खा नहीं सकता बच्चों को सर्विस करनी चाहिए सर्विस तो बहुत है यह बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो यह है याद की यात्रा योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं खाद निकल जाती है बाप कहते हैं काम महाशत्रु है इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगी एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, यह अनुभव करना है कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुक कर संपूर्ण पावन बनना है और अब सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है खा नहीं सकता प्रश्न सत का संग तारे कुसंग बोरे इसका भावार्थ क्या है उत्तर तुम अभी सत का संग करते हो अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो क्योंकि संग का रंग लगता है इसलिए कहा जाता सत का संग तारे, कुसंग बोरे तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे ओम शांति अब बच्चों की दो क्लास हो गई यह अच्छा है एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाती हैं आत्मा पवित्र बनती जाती है और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का ज्ञान भी सहज है कोई डिफिकल्टी नहीं तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फ़र्क रहता है यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं यह मेला है बाप और बच्चों का और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं भल याद करते हैं परंतु तुम सम्मुख देखते हो तुम्ही से तुम तुम्ही से बातचीत करूं। बाप ने समझाया है बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं हाँ खेल सकते हैं जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं ऐसे ही तुम्ही से खाऊं क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं दोनों खेलते हैं करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ हैं क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना इनडोर गेम होती है ना आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं भिन्न भिन्न प्रकार की सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल जिसका महाभारत में वर्णन है परंतु वह जुआ के रूप में है जुआ वालों को पकड़ते हैं यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली हैं, तुम जानते हो कि ये व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं निर्जल रखते खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की यहां तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रही हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को एक की पूजा भी अवैभ्यचारी पूजा है वह भी अच्छी है भक्ति भी सतो तमो होती है सबसे ऊंचते उच्च गुणी है शिव बाबा की भक्ति शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाती जो से बच्चों की सेवा करते पावन बनाते उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते ठिकर भीतर में है यह गलानी हुई ना तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था फिर मिलना है जरूर तुम ज्ञान को अलग भक्ति को अलग समझती हो राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानती हो इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच बच्चों को सर्विस करनी चाहिए सर्विस तो बहुत है यह बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैज अब यह है ज्ञान की बातें इसमें समझाना पड़ता है यह याद की यात्रा अलग है इसको कहा जाता है है जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए सिर्फ बाप को याद करना है यह तो जानते हो शिव बाबा बाप है हम आत्माएं उनकी संतान हैं वही सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ संग से रंग लगता है कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाती हो फिर उतरने शुरू कर देते हो उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारी उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने सच्चा सोना बने यह है याद की यात्रा योग अग्नि से विकर्म भस्म होती है। खाद निकल जाती है तुम जानते हो नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे सोला कला संपूर्ण भी थे अभी कोई कला नहीं रही है इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है तन भी काले हैं जो कुछ तुम इन आँखों से देखते हो सब काले हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो फिर भी यह बनना है श्याम से सुंदर सुंदर से श्याम उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती हैं बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन फिर देखने के लिए इनसाइट यह तो है समझने की बातें आत्मा को समझना है मैं आत्मा हूँ यह मेरा शरीर है हम यह शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार आत्माएं तो सब हैं कोई में पार्ट कितना है कोई में कितना यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है इसमें नंबरवार कैसे आते हैं कैसे पार्ट बजाते हैं यह तुम जानती हो पहले पहले देवी देवता घराना है यह नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाद में फिर ये कुछ भी याद नहीं रहेगा बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान प्राय़ हो जाता है। है किसको भी ये पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई चित्र तो है परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं तुम बच्चों को पता है फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा कोई जरूर युक्ति निकलेगी बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी यह समझ में आता है बच्चे वृद्धि को पाती रहेंगी बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघ्न डालेंगे जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहती हैं जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे कहेंगे यह तो रसम चली आ रही है अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है फिर बाप आए हैं पावन बनाने तुम पवित्रता पर जोर देते हो इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं आगा खा है उनका कितना मान है पोप का भी मान है तुम जानते हो पोप क्या कर आकर करते हैं लाखों करोड़ों शादियां शादियां हैं, हैं। बहुत होती है। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं, इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं आजकल सगाई भी कराते हैं बाप कहते हैं काम महाशत्रु है यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है इसमें समझाने वाले की बड़ी युक्ति चाहिए आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे, आदि सनातन हिंदू धर्म वाली जो हैं उनको समझाओ वह जट समझ सकते हैं कि बराबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था न कि हिंदू जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाती रहेंगी यह भी पक्का निश्चय है यह कलम लगता जाएगा तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनती हो यह है नई दुनिया में रहने वाली पहले तुमको यह थोड़ी मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे जरा भी पता नहीं था अभी तुम समझते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगमयुग इसको कहा जाता है हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे हरेक को अपने दिल से पूछना है स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास होंगे यह भी पाठशाला है स्कूल है गीता पाठशाला तो मशहूर है फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं जरूर खिटखिट होगी इसमें डरने की बात नहीं आजकल तो यह फैशन पड़ गया है बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते हैं जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं, आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट पड़ती है तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुप होता है रही खूही बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुप्त होना है डरना नहीं है बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना? तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे सिर्फ इस जन्म की बात नहीं भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी भारतवासियों की आयु बड़ी थी निरोगी थी अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं कल्प कल्प तुम ही बनते हो ऐसे और कोई कह ना सके तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो डॉक्टर्स से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है अविनाशी बेहद का सर्जन है हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो सत्यु में मनुष्य बहुत कम थे शांति सुख पवित्रता सब थी सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो तुम पंडे हो ना पांडव संप्रदाय हो यह किसके बुद्धि में नहीं होगा फूड मिनिस्टर को समझाओ पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी अभी तुम हो संगम पर सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है बाकी भारत इंसॉलवेंट बन गया है अकल वाले आकर अकल सिखलाते रहते हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं तुम ही से सुनूं तुम ही से खाऊं यह अनुभव करना है कुसंग छोड़ सत के संग में रहना है दूसरा पॉइंट कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुक्त कर संपूर्ण पावन बनना है संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है वरदान दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व वा मर्जीवा भव विस्तार ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना जब दिल से कहते हो मेरा बाबा तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा तो बाबा ने अपना बना लिया यह दिल का सौदा है मुख का स्थूल सौदा नहीं सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं स्लोगन अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो अच्छा ओम शांति